हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा त्रिविमीय सदिश का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था द्विमीय सदिश का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है ना। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक सदिश है जो कि क्या है, त्रिविमीय है। हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ओपी जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सदिश है, ठीक है, ओपी की दिशा में। और इस ओपी दिशा को विकर्ण मानकर एक षटफलक की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। षटफलक मतलब एक तरीके से घन है जिसके छह फलक हैं। पहला ये सामने वाला फलक, ये वाला ई पी डी सी, उसके पीछे वाला बी ई ओ ए, ये फलक हो गया दो, इधर वाला एक फलक हो गया तीन, इधर वाला एक फलक हो गया चार, ऊपर वाला एक फलक पाँच और नीचे वाला एक फलक छः, ठीक है। तो सदिश वेक्टर ए एक क्या है, त्रिविमीय सदिश है। तो दिए गए सदिश को विकर्ण ओपी को विकर्ण मानकर क्या करते हैं, एक षटफलक की कल्पना करते हैं। यदि भुजा क्या ओ ए ओ बी और ओ सी जो है वो क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश है, कितने, एक्स अक्ष के अनुदिश ओ ए, वाई अक्ष के अनुदिश ओ बी और जेड अक्ष के अनुदिश ओ सी है, तथा उनकी लंबाई है कितनी है, ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है क्रमशः। तो सदिश वेक्टर ए के एक्स वाई और जेड में घटक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक आई ए एक्स आई हो जाएगा, ठीक है, या ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, आई एक्स जो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक है, ओ बी जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश घटक है, जे ए वाई हो जाएगा, और ओ सी जो है वो जेड अक्ष के अनुदिश घटक है, ओ सी है ना, के ए जेड, ठीक है। अब जहाँ आई जे और के, आई जे और के क्या है, एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, ठीक है। अब वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो तीन घटकों में विभक्त करना है, मतलब त्रिविमीय सदिश की बात कर रहे हैं, तो एक विमा एक्स, दूसरी विमा वाई और तीसरी विमा जेड अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, ओ ए ओ बी और ओ सी के अनुदिश। तो इन सभी का परिणामी सदिश होगा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस कितना, ओ सी। ओ ए की वैल्यू कितनी है, आई एक्स प्लस जे ए वाई, ओ बी की वैल्यू, और ओ सी की वैल्यू कितनी है, के ए जेड। तो ये वेक्टर ए जो है वो त्रिविमीय सदिश में हमने उसको व्यक्त कर दिया। त्रिविमीय मतलब ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये क्या, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, वियोजित कर दिया। अब इस वेक्टर ए का परिणामी सदिश क्या होगा, मॉडल वेक्टर ए बराबर उनका जो गुणांक होगा ए एक्स ए वाई और ए जेड, जो लंबाई होगी उनके वर्ग के योग के क्या हो जाएगा, उसके अंडर रूट में आएगी, रूट में आएगी। जैसे हमने द्विमीय सदिश में देखा था, ये ए इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब इसमें तीसरी भुजा भी जुड़ गई है, त्रिविमीय है, तो ए प्लस ए जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये उसका परिणामी सदिश हो गया। अब उसकी क्या निकालना है, दिशा ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए, अब यह दिशा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि मानते हैं कि सदिश वेक्टर ए जो है वो त्रिविमीय सदिश है, तो उसकी दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस वेक्टर के परिमाण, उस वेक्टर और उस वेक्टर के परिमाण कितना, यूनिट वेक्टर मॉडल वेक्टर ए है ना, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस कितना, के ए जेड के रूप में। और मॉडल वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, उसका दिशा हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर ए है, तो ये उसकी दिशा होगी। अब उस दिशा को और अच्छी तरीके से और करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, यदि सदिश वेक्टर ए के एक्स वाई और जेड अक्ष से बने कोण कितने हैं, क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है, तो उनकी दिक् कुछ जाए क्या हो जाएगी, दिशात्मक, ये दिशा है अल्फा बीटा और गामा, तो उनकी दिक् कुछ जाए क्या हो जाएगी, कोज्जा मतलब ये दिशा और उसकी कोज्जा, तो इसकी दिक् कुछ जाए एक्स दिशा में, वेक्टर ए की दिशात्मक कोज्जा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, एल ले लेते हैं, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, इस दिशा अल्फा की कोज्जा मतलब कॉस अल्फा। वाई दिशा में एम ले लेते हैं तो उसकी बनाया गया कोण कितना है, दिशा कितनी है, बीटा, तो उसकी कोज्जा कितनी, कॉस बीटा। और दिक् कोज्जा यदि एन है जेड दिशा में, तो उनकी दिक् कोज्जा क्या हो जाएगी, कॉस गामा, ठीक है। अब इन सब का यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन में कितना, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में एकांक सदिश कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन में कितना, यूनिट वेक्टर है, ओके। तो ये दिशात्मक कोज्जा हो जाएगी एल की रूप, तो यहाँ पर ये जाएगा एल इक्वल टू कितना, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन में कितना, यूनिट वेक्टर है। एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर
ये वाई अपॉन में कितना यूनिट वेक्टर ए सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर है, ठीक है। और एन बराबर कितना हो जाएगा, कॉस गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, ए जेड अपॉन में कितना मॉड ऑफ वेक्टर है, ओके। अब इसका वर्ग करो और उन वर्गों करके उसको क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब निश्चयात्मक ऊर्जाओं के वर्गों का योग कर दो। इसका वर्ग कर दो पहले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अब ये इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, सभी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस कितना ए जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, वन। तो एल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉज स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉज स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब उसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, आई, ये एल दिशात्मक ऊर्जा मतलब इसकी लंबाई, यूनिट वेक्टर आई इंटू एल प्लस यूनिट वेक्टर जे इंटू एम प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू कितना एन, ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार से हमने त्रिविमीय सदिश को क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, जिसमें त्रिविमीय सदिश वेक्टर ए को आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड के रूप में मानते हैं और उसका मॉड क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो उसका दिशा क्या हो जाएगी, क्या वेक्टर ए का यूनिट या यूनिट वेक्टर ए, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये त्रिविमीय सदिश का वियोजन देख लिया, जिसमें एक सदिश को तीन विमा में हमने क्या किया, वियोजित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका।